ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स मेरे को ई गुरुकुल पे देख रहे हैं उनको भी नमस्कार, और जो स्टूडेंट्स मेरे को परीक्षा गंगा चैनल पे देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। फ्रेंड्स, लाइब्रेरी साइंस का जो केवीएस लाइब्रेरियन का वैकेंसी है उसको लेकर जो हमने कोर्स डेवलप किया था, आपको कुछ दो इंट्रोडक्टिव वीडियोस मिल चुकी होंगी मेरे चैनल पे, लाइब्रेरी साइंस के चैनल पे, जिसमें मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है कि लाइब्रेरी साइंस में जो भी आपका सिलेबस होने वाला है, जिसको हमने 36 चैप्टर्स में डिवाइड करके आपको पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया था, उसी के कंटिन्यूटी में हम लोग अब अपनी इस कोर्स का फर्स्ट चैप्टर्स आपके सामने लेकर आए हैं। मैं सौरभ मिश्रा आपको पूरे कोर्स को, जो भी लाइब्रेरी साइंस का कंप्लीट सिलेबस है केंद्रीय विद्यालय का, वो कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करने वाला हूँ इसी कोर्स में, और उसी कोर्स की फर्स्ट वीडियो मैं अब आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, कोर्स स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स देखिए, ये आप लोग को जो वीडियोस अभी मेरे यूट्यूब पे मिल रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको देखिए, समझिए कि जो सौरभ सर पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इनकी जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो क्लियर हो रही है कि नहीं, आपको जो पढ़ाने का तरीका है वो स्पष्ट है कि नहीं, उससे आपको क्लियरिटी हो रही है कि नहीं कंसेप्ट की, इन सब चीज़ों को इवेल्युएट करने के लिए आपको कुछ वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। ठीक है, ये जो हमारा कोर्स है उसमें आपको कंप्लीट 180 मार्क्स का जो सिलेबस है आपका, जिसमें पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री इंक्लूडेड रहेगा। पार्ट वन में दोनों लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, 15-15 मार्क्स के। पार्ट टू में जीएस, जीके, रीजनिंग और कंप्यूटर, ये वाला पोर्शन भी आपको इसी कोर्स में अवेलेबल होगा। अगर आप अपने संस्कृत गंगा एप्लीकेशन पे, क्योंकि आपको पता है जो मेरी वीडियोस आपको मिलेंगी वो आपको मिलेंगी जो पेड वीडियोस रहेंगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं वो तो आपको आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, बट जो पेड वीडियोस रहेंगी वो आपको यहाँ पे संस्कृत गंगा एप्लीकेशन पे आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको देखिए उसका लोगो मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है अनुशासनम अध्ययनम अभ्यासनम। ठीक है, संस्कृत गंगा के एप्लीकेशन पे आपको मेरे कोर्सेज की पेड वीडियोस मिलेंगी। ई गुरुकुल के नाम से कोई एप्लीकेशन नहीं है, जो मैं अपनी पेड वीडियोस देने वाला हूँ वो संस्कृत गंगा एप्लीकेशन पे देने वाला हूँ। ठीक है, तो जितने भी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो अगर मेरी वीडियोस को परचेज करना चाह रहे हैं पेड वर्जन, तो संस्कृत गंगा एप्लीकेशन जाइए, वहाँ पे आपको वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी। जो फ्री वीडियोस हैं वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेंगी, मैं उन पे आपको रेगुलर आके अपडेट देता रहूँगा। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एप्लीकेशन पे विजिट करेंगे ना, और आपको जब कोर्स परचेज करना होगा, तो कोर्स परचेज करने के लिए आपको पेमेंट का ऑप्शन नहीं अवेलेबल होगा। ठीक है, क्योंकि जो संस्कृत गंगा एप्लीकेशन है वो एक अलग इंस्टीट्यूशन है, मैंने उस इंस्टीट्यूशन के साथ कोलेब्रेशन किया हुआ है, तो मैं चाहता कि जो स्टूडेंट लाइब्रेरी साइंस के हों वो पेमेंट करें, तो वो पेमेंट मेरे पास पहुँचे, और जो लाइब्रेरी साइंस के, जो संस्कृत गंगा के स्टूडेंट्स हैं जो अदर कोर्सेज परचेज कर रहे हैं, वो पेमेंट उनके पास जाए। इसलिए मैं अपनी पेमेंट डिटेल आपको सभी वीडियोस में अवेलेबल करा रहा हूँ, किसी स्टूडेंट का पेमेंट को लेकर कोई भी इशू कभी ना आए फ्यूचर में, कभी भी अगर वो ई गुरुकुल का स्टूडेंट है तो उसको कोई लेकर पेमेंट में इशू ना आए, उसके 5 रुपये भी एक जगह से दूसरी जगह ना वेस्ट हों, उस लिए मैं आपको इस वीडियो में क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आप संस्कृत गंगा एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ कोर्सेज परचेज करने के लिए पेमेंट आपको करनी होगी। तो ये रहा, ये है आपके पास पेमेंट के मोड। आप अगर अकाउंट में पेमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप लाइब्रेरी साइंस से कोर्स परचेज कर रहे हैं और आपको पेमेंट करनी है, तो आप ये मेरे अकाउंट में, जो मेरा अकाउंट है जिसपे आप देखेंगे, तो मेरा अकाउंट में नेम आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा, ये सॉरी आपको इस अकाउंट पे, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, सौरभ मिश्रा के नाम से ये अकाउंट है, आपको अकाउंट नंबर 3296582 1230, ठीक है, ये आपको अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। एक सेकंड में इसको और बड़ा कर देता हूँ। चलिए, ये अकाउंट नंबर बेटा ये 3296582 1230, और आईएफएससी कोड आपको मिलेगा SBIN, ये 0 है, 0016805। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, SBIN 0016805। आपको इस अकाउंट नंबर, इस आईएफएससी कोड से, अगर जो अकाउंट से पेमेंट करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए ये अकाउंट नंबर, और अगर आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम,
अगर आपको कोई भी यूपीआई मेथड आपको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। आपको पता है ये मेरा ही नंबर है, ठीक है, ये भी सौरभ सर का ही नंबर है, मेरा ही नंबर आपका है और ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। आप इन मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको करना क्या होगा, पेमेंट जैसे ही आप कंप्लीट कर देते हैं आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, किसके नंबर पे, जो नंबर मैंने आपको उस दिन शिवम मिश्रा जी, शिवम चौबे जी का नंबर बताया था ना, एक बार मैं नंबर बोल दे रहा हूँ, 7800131346। आप इस नंबर पे, शिवम चौबे जो अपनी पहली वीडियो बताई थी उसमें मैंने आपसे उनको इंट्रोड्यूस कराया था, बताया था कि आप इस नंबर पे कोई भी ऑप्शन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस नंबर पे कॉल करिए। आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट चाहे तो इस नंबर पे भी भेज सकते हैं, बट यहाँ से ज़्यादातर आपको बेटा कोई रिप्लाई मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरा नंबर, मैं ज़्यादातर टाइम आपकी क्लासेज ले रहूँगा, अपना कंटेंट तैयार कर रहा हूँगा, आपको पढ़ाने के लिए खुद भी पढ़ रहा हूँगा, ठीक है, प्रिपेयर कर रहा हूँगा, तो ये नंबर पे आपको शायद इन्फॉर्मेशन ज़्यादा क्लियर ना मिले। आप पेमेंट करने के बाद इस नंबर पे कंफर्म कर सकते हैं, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप इस नंबर पे भी भेज दीजिएगा, इस नंबर पे भेज दीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके शिवम जी से बात कर लीजिएगा, ठीक है। पेमेंट को लेकर कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपको मेरा कमिटमेंट दे रहा हूँ मैं। अभी आप बहुत जल्दी मत करिएगा प्लीज़, आप पहले, मैं चाह रहा हूँ ना कि आप एप्लीकेशन पे मत जाइए, अभी आप एप्लीकेशन पे मत जाइए, मैं फ्री ऑफ वीडियोस आपको दे रहा हूँ, जब तक आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट की वीडियोस आ रही हैं पर डे, आप अभी वीडियोस पे ही कंटिन्यू रखिए। जब मैं बता दूंगा अपनी वीडियोस में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि स्टूडेंट्स अब वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, आपको एप्लीकेशन पे जाना है, तब आप उस समय एप्लीकेशन पे जाके परचेस करिएगा। चलिए अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, हम लोग ने उस दिन अपने जो इंट्रोडक्शन चैनल, इंट्रोडक्शन टॉपिक था, उसमें हमने ये डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी आप लोग को कि हम लोग को टोटल 6 यूनिट्स, केंद्रीय विद्यालय ने टोटल 6 यूनिट्स का जो सिलेबस हम लोग को प्रोवाइड कराया है वो सारा सिलेबस हमें कवर करना है, और उस सभी सिलेबस को हमने 36 चैप्टर्स में डिवाइड किया था, और उसी चैप्टर का आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं 36 का, लाइब्रेरी एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। इस लाइब्रेरी एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन में भी देखेंगे आपके पास कुछ 4 टॉपिक्स मिलके आ रहे हैं, जिसमें पहला है सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। अब इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी एंड स्पेशल लाइब्रेरी। इन तीनों लाइब्रेरी का, पब्लिक, एकेडमिक और स्पेशल लाइब्रेरी का क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है देयर डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स एंड फंक्शंस। उन इन एकेडमिक लाइब्रेरीज के, पब्लिक लाइब्रेरीज के, स्पेशल लाइब्रेरीज के डिस्टिंक्ट फीचर्स पढ़ने हैं और इनके फंक्शंस को कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, यूजीसी एंड रोल ऑफ यूजीसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी। यहाँ पे फोकस कौन रहेगा हमारा, एकेडमिक लाइब्रेरी रहेगा, और एकेडमिक लाइब्रेरी में क्या मेजरली हम लोग फोकस करेंगे कि यूजीसी का क्या रोल है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने क्या मेन भूमिका अदा की है, क्या रोल अदा किया है, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, किसके डेवलपमेंट के लिए, एकेडमिक लाइब्रेरी के, क्लियर। नेक्स्ट पढ़ेंगे रोल इन लाइब्रेरी ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, लाइब्रेरीज का क्या रोल, किसमें लाइब्रेरीज का रोल, किसमें, फॉर्मल और फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन को प्रमोट करने में या उनको डेवलप करने में क्या रोल है। तो स्टूडेंट्स बहुत क्लियरली आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 उसका चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर ये टॉपिक्स, हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्टोरिकल फाउंडेशन पढ़ना है लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी कैसे स्टार्ट हुई उसका हिस्ट्री क्या था, मेडिवल टाइम में, एशियन टाइम में, अभी मॉडर्न टाइम में वो किस तरह से डेवलप होते हुए आ रही है इसके बारे में समझेंगे, एकेडमिक, पब्लिक और स्पेशल लाइब्रेरी के फीचर्स पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस देखेंगे, यूजीसी का क्या रोल है एकेडमिक लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में, और फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन में लाइब्रेरीज किस तरह से अपना रोल प्ले करती है इसके बारे में समझेंगे। चलिए आज इस वीडियो में मैं चाह तो रहा था कि आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूं, बट मुझे पता है कि ऐसे करने से आपका जो सिलेबस, सॉरी आपकी जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि हर टॉपिक पे एक अलग सेपरेट वीडियोस आपको लेकर आऊँगा, ठीक है, हर टॉपिक पे अपना एक सेपरेट वीडियो, मतलब जैसे कि हिस्ट्री, हिस्टोरिकल फाउंडेशन पे एक अलग टॉपिक रहेगा, एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी पे एक अलग वीडियो, इनके फीचर्स और फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, यूजीसी का रोल डेवलपमेंट में
एकेडमिक लाइब्रेरीज के उसको अलग से पढ़ेंगे और फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इतना जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक। और इसी तरह से जब हम लोग लगभग 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे, 5 या 6, ठीक है, तो हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे तैयार करेंगे या कब तैयार करेंगे, हम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कब डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे अपने इन क्लासेस में। सबसे पहले हम लोग ये अपना एक बेसिक्स क्लियर करेंगे, ठीक है। आई नो कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे या मुझे बताते भी हैं कि सर बस किसी तरह से लाइब्रेरी साइंस में BLIS कर लिया था, कुछ पढ़ा नहीं, थोड़ा बहुत कहीं से इधर उधर जुगाड़ हो गया और काम चल गया हमारा, मतलब हमें डिग्री मिल गई है और हमने वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर दिया है, अब क्या करें। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बेटा पूरी डिटेल वीडियोस हर टॉपिक पे, जो भी लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस दिया है KVS ने, उसके हर टॉपिक पे मैं एक डिटेल वीडियोस बनाने वाला हूँ। सभी टॉपिक्स पे डिटेल्स वीडियो आपको अवेलेबल होंगी। और जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, हमें टोटल 6 यूनिट्स पढ़ने हैं, ठीक है, उस 6 यूनिट्स में अभी हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिट है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 5 चैप्टर्स है। और जब हम लोग ये सारे 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे तो इसका मतलब हमारे पास यूनिट 1 फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कंप्लीट। उसके बाद हम लोग इनके इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं, मिलेंगे, वो आपके पास पहुंचेंगे, वो आपके पास यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो डिस्कस हो पाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अदरवाइज उनको फिर बाद में आपको एप्लीकेशन में PDF के मैटर से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे। जो क्वेश्चंस देने का आपको जो मैं फॉरवर्ड करूंगा PDF में एप्लीकेशन पे, वो सिर्फ इंग्लिश में हो पाएगा अभी, क्योंकि बेटा देखो मैंने जो अपनी पूरी कंप्लीट पढ़ाई की है वो इंग्लिश मीडियम में की है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे और वो चाहते होंगे कि सर सौरभ सर आप जो अपना कंटेंट है वो हिंदी मीडियम में दीजिए, तो हिंदी मीडियम को लेकर बस इतना मेरे पास एक प्रॉब्लम आ रही है कि अभी मैं हिंदी मीडियम को लेकर कोई कंटेंट तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी मेरे पास स्लाइड्स होंगी, जो भी मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखेगा, वो पूरा का पूरा इंग्लिश में रहेगा, क्योंकि मैं खुद अपनी PPTs प्रिपेयर करूँगा। मैं किसी और पर्सन को PPTs हैंड ओवर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना है। मैं जब तक खुद अपने आप PPTs प्रिपेयर नहीं करूँगा, तब तक मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहूँगा कि जो मेरे को लिख के दिया है किसी ने वो सही है या गलत, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान से रख के जो भी PPTs होंगी वो मैं खुद प्रिपेयर करूँगा। हिंदी टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, उसको लेकर भी जो दिक्कत है वो उस वजह से हिंदी के कंटेंट अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। बट जो भी मैं आप यहाँ से मेरे से सुनेंगे, जो मैं वर्बली आपको यहाँ पे इन्फॉर्म करने वाला हूँ, वो बाइलिंगुअल रहेगा। मैं कंटेंट पढ़ूंगा इंग्लिश में, समझाऊंगा आपको हिंदी में, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो भी कम से कम मेरी वीडियोस को सुन लेंगे, और आपको कहीं रिटर्न कम्युनिकेशन तो करना नहीं एग्जामिनेशन में, आपको तो पॉइंट टिक्स मारने हैं आपका, चाहे हिंदी में एग्जाम दे रहे हो चाहे इंग्लिश में। अगर आपको क्वेश्चन आता है और वो सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलने वाले। तो स्टूडेंट्स हिंदी के लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाले थे, शिवम जी के पास फ़ोन आया था कि सर हिंदी के लिए स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मटेरियल अवेलेबल कैसे होगा। तो बेटा इसमें दिक्कत होने वाली है, बट अगर आप ये कोर्स परचेज कर रहे हैं तो जो हमारी क्लासेस चलने वाली है, जो मैं आपको वीडियोस लेक्चर्स के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो 100% bilinguals होंगे, और हर टॉपिक की इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू में जब आप बैठेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि सर ये हिंदी में कैसे पढ़ा था और इंग्लिश में कैसे पढ़ा था। क्लियर? चलिए, आई गेस कि आपको जो सिलेबस था वो क्लियर हो गया होगा कि हम लोग आने वाले टाइम में पढ़ेंगे क्या। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो हम लोग उसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहली वीडियो थी, बहुत ज़्यादा मैं खुद भी बहुत जल्दी से PPTs प्रिपेयर नहीं कर पाया हूँ और आपके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े, इसके लिए हम लोग देखिए अपने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी की डेफिनेशंस। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बट हम एडवांस लेवल तक, जो हमारा क्वेश्चंस का लेवल आने वाला है एग्जामिनेशन में, वो ग्रेशन लेवल का होगा, उस लेवल तक अपने पॉइंट्स को लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले लाइब्रेरी डेफिनेशन पढ़ेंगे, और फिर हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो हमारी बनेगी उसमें हम लोग लाइब्रेरी साइंस की हिस्ट्री और लाइब्रेरी साइंस की हिस्ट्री इन इंडिया को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मेडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड और 20th सेंचुरी में जो भी डेवलपमेंट हुए थे हिस्ट्री को लेकर, वहाँ से हम लोग बात करेंगे। अब आज की वीडियो में से एक क्वेश्चन आपको पास ज़रूर मिलने वाला है या आता भी है, ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, क्वेश्चंस को देख के ही मैं आपके साथ यहाँ पे हूँ। आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि लाइब्रेरी वर्ड कहाँ से आया, ठीक है, इसका ओरिजिन क्या है, लाइब्रेरी वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ,
लाइब्रेरी वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका लैटिन लैंग्वेज में क्या मतलब निकला था, ये क्वेश्चंस मैंने आपके बहुत सारे एग्जाम्स में देखे हैं, ठीक है। तो उनको लेकर जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस की डेफिनेशन क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी लाइब्रेरी साइंस की क्या डेफिनेशन देती है, आइए देखते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन लाइब्रेरी, यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमा लगा है, मतलब कोट करना है हमें, अ बिल्डिंग और रूम, कोई भी एक पूरी बिल्डिंग या पूरी बिल्डिंग का एक कोई छोटा सा रूम, कंटेनिंग कलेक्शंस ऑफ बुक्स। वो क्या होना सा, वो क्या करेगा रूम में और बिल्डिंग में, कंटेन करेगा क्या, कलेक्शंस, किसका कलेक्शन होना चाहिए, बुक्स का, पीरियोडिकल्स का, एंड समटाइम फिल्म्स, रिकॉर्डेड म्यूजिक फॉर यूजिंग और बोरोइंग बाय द पब्लिक और द मेंबर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, इन्वर्टेड कॉमा बंद। क्या डेफिनेशन हुई, इसका मतलब हुआ कि लाइब्रेरी किसी बिल्डिंग को भी कहा जा सकता है और किसी रूम को भी कहा जा सकता है, डिपेंड करेगा कि बिल्डिंग है या रूम, लेकिन उस बिल्डिंग या रूम में क्या होना चाहिए, कंटेन क्या, कलेक्शंस किसका, बुक्स का। बुक्स आपको पता है, हम लोग लाइब्रेरी साइंस में बुक्स की भी डेफिनेशन देखेंगे कि लाइब्रेरी साइंस में बुक्स कहते किसको हैं, और वो बुक्स जो होंगी उसके साथ साथ अगर पीरियोडिकल्स भी है, पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल्स मीन्स जो एक इक्वल इंटरवल में, एक इक्वल पीरियड में पब्लिश होने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ठीक है। न्यूज़पेपर पर डे पब्लिश होता है, कुछ कुछ न्यूज़पेपर्स वीकली पब्लिश होते हैं, जैसे रोजगार या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। आप देखेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पर डे नहीं आता, वो वीकली आता है। जो डेली न्यूज़पेपर्स होते हैं, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, वो डेली पब्लिश हो रहे हैं, ये भी पीरियडिकल्स हैं। मैगजीन्स, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन्स, टाइम्स ऑफ इंडिया की कुछ मैगजीन्स हैं, द हिंदू ग्रुप्स की कुछ मैगजीन्स हैं, फ्रंट लाइन मैगजीन है, योजना है, कुरुक्षेत्र है, जो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं वो हर मंथ में मंथली पब्लिश हो रही हैं, या तो वीकली पब्लिश हो रही हैं या फॉर्नाइट पब्लिश हो रही हैं। तो चाहे वो मंथली पब्लिश हो, वीकली पब्लिश हो, फॉर्नाइट पब्लिश हो, उसको हम लोग पीरियोडिकल्स बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, पीरियोडिकल्स उसी को कहेंगे जो इक्वल इंटरवल पे हो, इक्वल इंटरवल इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, वो ध्यान रखना। एंड समटाइम फिल्म्स, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज हो सकती हैं, फिल्म्स हो सकती हैं, सीडीज हो सकती हैं, हार्ड डिस्क में रखा हुआ डाटा भी हो सकता है, बहुत सारी हार्ड डिस्क अगर एक जगह कलेक्ट करके रखी गई है तो वो भी लाइब्रेरी हो सकती है, किसकी, फिल्म्स की। रिकॉर्डेड म्यूजिक्स, चाहे वो म्यूजिक भी हो, ठीक है, मैंने आपको बताया सीडीज है, म्यूजिक है। अब जैसे टी सीरीज है, टी सीरीज अगर जब पहले के जमाने में, जब ये डिजिटाइज नहीं हुआ था चीजें, तो जो अपनी कैसेट्स रखती थी, अब उस कैसेट्स में से किसी स्पेसिफिक गाने को चूज करना होता, वो बहुत सारी कैसेट्स होती, तो ऑब्वियस सी बात है जिस रूम में ये कैसेट्स रखी हुई थी उसको अरेंज करके रखा गया होता, क्लासीफाई करके रखा गया होता, सो दैट कि कोई भी यूजर्स हमसे कोई भी गाने की कैसेट्स की डिमांड करे तो हम उसको लाके दे सकें इजिली और टाइम से। तो फिल्म्स को भी रखा जा सकता है, म्यूजिक को भी रखा जा सकता है, फॉर यूजिंग बोरोइंग, उसको यूज करने के लिए या बोरो करने के लिए, बाय द पब्लिक, किसके द्वारा, पब्लिक के द्वारा, और वो पब्लिक भी हो सकती है या तो मेंबर्स हो सकते हैं, किसके, किसी भी इंस्टीट्यूशन के। समझ में आया, लाइब्रेरी की बहुत छोटी सी डेफिनेशन, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहती है कि लाइब्रेरी किसी को भी कहा जा सकता है, चाहे तो वो बिल्डिंग हो, चाहे तो वो रूम हो, और वहाँ रूम या बिल्डिंग में क्या होना चाहिए, कलेक्शंस किसका, बुक्स का, पीरियोडिकल्स का, या किसी भी चीज़ का, जिसमें फिल्म्स और रिकॉर्डेड म्यूजिक्स भी आ सकते हैं, और वो बोरो किए जा सके या यूज़ किया जा सके पब्लिक के द्वारा या उसके इंस्टीट्यूशन के मेम्बर्स के द्वारा, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई हमारी लाइब्रेरी की। चलिए एक और डेफिनेशन पढ़ते हैं, किसी और इंस्टीट्यूशन ने भी कुछ डेफिनेशन दी है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। चलिए यहां पे देखते हैं, लाइब्रेरी साइंस इज बेसिकली द स्टडी टू हाउ, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लाइब्रेरी साइंस क्या है, हमने लाइब्रेरी पढ़ा था, अब यहां पे लाइब्रेरी साइंस को समझेंगे कि लाइब्रेरी क्या है। लाइब्रेरी साइंस इज अ बेसिकली द स्टडी ऑफ हाउ टू ऑपरेट अ लाइब्रेरी। अब हम लोग लाइब्रेरी साइंस के बारे में समझ रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस क्या है, बेसिकली स्टडी है, क्या स्टडी करना है लाइब्रेरी साइंस में, हम लोग लाइब्रेरी साइंस में क्या स्टडी करने वाले हैं, हाउ टू ऑपरेट अ लाइब्रेरी, किसी भी लाइब्रेरी को कैसे ऑपरेट करते हैं। लाइब्रेरी के ऑपरेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बुक्स को पहले तो ऑर्डर करिए, ठीक
ठीक है, पहले आपने अपने स्टाफ से रिक्वायरमेंट लीजिए कि कौन कौन सी बुक्स चाहिए, उसको ऑर्डर करिए, बुक्स आ जाएँ तो टैली करिए, उसके बाद एक्विजिशन करिए, एक्विजिशन करने के बाद लेबलिंग करिए, सॉरी क्लासीफाई करिए, लेबलिंग करिए, शेल्फ करिए, सर्कुलेट करिए, बुक्स ख़राब हो जाए तो बाइंड करिए, बुक्स बेकार हो जाए तो वाइड आउट करिए। कितने सारे एक्टिविटीज़ को कलेक्ट करके अगर एक जगह रखा जाए या किया जाए तो हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरीज़ को मैनेज करना होता है। और इसी लाइब्रेरी ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है लाइब्रेरी साइंस, और इसी लाइब्रेरी साइंस में क्या होती है, स्टडी होती है, किसकी, ऑपरेशंस की, या लाइब्रेरी को ऑपरेट करने की। द फील्ड इज मेड अप ऑफ सेवरल ब्रांचेस इंक्लूडिंग पब्लिक सर्विस, टेक्निकल सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी, मैंने आपको भी जो बताया क्लासीफाई करना, कैटलॉग करना, सेल्विंग करना, वीड आउट करना, और भी बहुत सारे ऑपरेशन हम लोग लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशन में इसको समझेंगे। ये जितने भी ऑपरेशंस हैं इनको हम लोग पब्लिक सर्विस में कुछ रख सकते हैं, कुछ ऐसे ऑपरेशंस होंगे जो पब्लिक सर्विस के लिए होंगे, कुछ ऑपरेशन होंगे जो टेक्निकल होंगे, ठीक है, टेक्निकल चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी, और कुछ चीज़ें होंगी जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो लाइब्रेरी साइंस क्या है, स्टडी है लाइब्रेरी को कैसे ऑपरेट करना है, जिसमें इंक्लूड किया जा सकता है, इसके ब्रांचेस क्या क्या बन सकती हैं, पब्लिक सर्विस, टेक्निकल सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। ये था हमारा लाइब्रेरी साइंस। चलिए, इनका नाम तो आई गेस जितने भी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं सुना ही होगा, नहीं सुना है तो आप लाइब्रेरी साइंस कर क्यों रहे हैं फिर। डॉक्टर एस आर रंगनाथन, नीचे जरा कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स बताएं एस आर का फुल फॉर्म क्या है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी हम लोग बोल देते हैं, लेकिन ये एस आर का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालिएगा, लिखिएगा ज़रूर। एस आर रंगनाथन जी ने भी तो कुछ बोला है लाइब्रेरी साइंस के लिए, क्यों, क्योंकि ये फादर हैं, पितामह हैं, ठीक है, पितामह ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन, पुस्तकालय विज्ञान के पितामह हैं, फादर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस। ये क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमा खत्म, मतलब एकदम जो बोला है सक्षण में समझना है, पढ़ना है, ये उन्हीं के ही वाक्य हैं, ब्रह्म वाक्य हैं हमारे पितामह जी के। क्या कह रहे हैं, अ लाइब्रेरी इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरी क्या है, एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, और एस्टेब्लिश चेंज विद द केयर ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स। क्या है ये, एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ पे कलेक्शन ऑफ क्या है, बुक्स है, वहाँ बहुत सारी बुक्स हैं, अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, डिफरेंट टाइप्स की बुक्स का कलेक्शन है। द ड्यूटी ऑफ मेकिंग दीज एक्सेसिबल टू दोज हु रिक्वायर। लेकिन ये बुक्स का कलेक्शन करना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है कि लाओ बुक्स को कलेक्ट करके एक जगह रख लेते हैं, ये काम वहां पे खत्म नहीं होता लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी का काम एक्चुअल में वहां से शुरू हो रहा है कि आपने जब बुक्स का कलेक्शन कर लिया उसके बाद ये आपकी ड्यूटी बनती है, जो भी उस लाइब्रेरी को ऑपरेट कर रहा है उसकी ड्यूटी क्या है, उसको एक्सेसिबल बनाना, एक्सेस करवाना, किसके लिए एक्सेस करवाना है आपको, दोज हु रिक्वायर, जिनको उसकी जरूरत है, जिनको उनकी रिक्वायरमेंट है, द यूज ऑफ देम एंड द टास्क ऑफ कन्वर्टिंग एवरी पर्सन इन हिज नेबरहुड इनटू अ हैबिचुअल लाइब्रेरी गोअर्स एंड रिकॉर्ड अ बुक एंड रीड अ बुक। रंगनाथन सर ने क्या, देखिए थोड़ा सा यूनिकनेस इसमें दिखाई उन्होंने अपने डेफिनेशन में, रंगनाथन सर कह रहे हैं कि लाइब्रेरी का काम सिर्फ बुक्स का कलेक्ट कर लेना, उसको एक जगह रख देना, बिल्डिंग के अंदर सजा देना नहीं है। अब देखेंगे लाइब्रेरी साइंस में जो उन्होंने 5 रूल्स दिए हैं उसमें ये बात इन्होंने बहुत अच्छे से समझाई है कि लाइब्रेरी का काम सिर्फ आप लाइब्रेरी में एक जगह बुक, एक रूम को सजा देना, बुक्स को इकट्ठा करके रख देना लाइब्रेरी नहीं होती है। लाइब्रेरी काम उससे बहुत आगे जाता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि लाइब्रेरी का काम है उनके यूजर्स, जो आपने कलेक्शन कर रखा है ना उसको जो यूज करना चाह रहे हैं उनको पहुँचाइए, उनको टाइम से पहुँचाइए, उनको कम से कम एफर्ट में पहुँचाइए। और अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसको उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक पहुँचा रहे हैं तो आप लाइब्रेरी है या लाइब्रेरी आप कन्वर्ट कर रहे हैं। और अपने आसपास को, उन्होंने थोड़ा सा और एक्सटेंड किया कि आसपास के लोगों को ऐसा मोटिवेट करिए, प्रमोट करिए कि वो लाइब्रेरी के अंदर जाने के लिए मजबूर हों, या अपने नेबरहुड में जो भी है उनको रीडर बनाइए, वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट हो। आपकी लाइब्रेरी इतनी एट्रैक्टिव, इतनी ऑर्गेनाइज्ड, इतनी वेल मेंटेन होनी चाहिए कि यूजर्स खुद आके वहाँ पे बैठ के पढ़ना चाहे।
पता होगा, आप लोग जानते भी होंगे, लाइब्रेरी में अक्सर वो स्टूडेंट जाते हैं, वो लोग जाते हैं जिनको पढ़ने लिखने से थोड़ा सा मतलब है। अदरवाइज मंदिरों में और लाइब्रेरीज में सिर्फ उतने ही टाइम के लिए लोग जाते हैं जब उनकी नीड होती है। अगर नीड खत्म, मंदिर खत्म, लाइब्रेरी खत्म। तो हमारे लाइब्रेरीज भी एक तरह का मंदिर है, जहाँ पे स्टूडेंट को जो भी नीड है, जिस भी तरह की रिक्वायरमेंट है, वो वहाँ जाएगा और अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। अपने जो रिक्वायरमेंट्स है, जो उनको रिसोर्स चाहिए, जो उनको जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो वहाँ जाके पढ़ेगा। और रंगनाथन सर ने इस पे प्रमोट किया है कि आपको बुक्स का रीडर बनाना है। जो स्टूडेंट्स हैं वो बुक्स के रीडर बने, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सभी लाइब्रेरी की और सभी लाइब्रेरियंस को। ठीक है, ये था डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के व्यूज़ में कि लाइब्रेरी एक्चुअल में है क्या, जो हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया हैं। ठीक है, ये इंडिया के लाइब्रेरी साइंस के फादर हैं। एक एक डाउट आना चाहिए, एक माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर ने बता दिया, तो वर्ल्ड का भी कोई होगा क्या कि पूरे विश्व में सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस को किसने स्टार्ट किया, अडॉप्ट किया। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। मैं अभी आपको बस थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, मेलविल डेवी के नाम से आप एक पर्सन को जानते होंगे या उनको पढ़ेंगे कभी, DDC उन्होंने बनाई थी, वो फादर ऑफ वर्ल्ड लाइब्रेरी साइंस, उनको पूरे विश्व के जो लाइब्रेरी साइंस के स्कॉलर्स हैं उनको फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहते हैं। जैसे इंडिया में डॉक्टर एस रंगनाथन, वैसे वर्ल्ड में मेलविल डेवी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लाइब्रेरी साइंस के बारे में और किसने क्या बोला है। ये कह रहे हैं हमारे ALA कौन है, ये अमेरिका लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका लाइब्रेरी एसोसिएशन। इस लाइब्रेरी एसोसिएशन ने भी लाइब्रेरी साइंस से कुछ डेफिनेशन दिए जो हमें समझनी होगी, देखनी होगी, और पढ़ते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आती है। अकॉर्डिंग टू ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी साइंस क्या है, ये इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमा खत्म, मतलब स अक्षर समझना है आपको, एकदम यही जो बोला है यही है इसमें। ये कहते हैं अ कलेक्शन ऑफ मटीरियल्स ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोवाइड फिजिकल, बिब्लियोग्राफिकल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सेस टू अ टारगेट ग्रुप, टारगेट ग्रुप विद अ स्टाफ दैट इज ट्रेन टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड प्रोग्राम रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द टारगेट ग्रुप। अकॉर्डिंग टू ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई उसके अकॉर्डिंग ये कलेक्शन ऑफ मटीरियल्स है। देखिए यहाँ पे मटीरियल्स वर्ड इस्तेमाल कर दिया। अब इस मटीरियल वर्ड को पढ़ने के बाद आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि यहाँ पे बुक्स, पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स, CDs, DVDs और जो भी इंफॉर्मेशन मटेरियल्स आपके पास हो सकते हैं वो सारे यहाँ पे इस मटेरियल में इंक्लूड हो गए, अपने आप आ गया कि मटेरियल बोलते ही वो सारा कुछ इसमें आ गया, बुक्स, पीरियोडिकल्स, मैगजीन, CD, DVD, फाइल्स। ठीक है, जो भी आप सोच सकते हैं, जितने भी हार्ड डिस्क भी इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा, चाहे वो फिजिकल मटेरियल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक है, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। मटेरियल्स में कलेक्शन होना चाहिए मटेरियल्स का, जो होना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड, ऐसे कूड़े की तरह ना फेंका गया हो। एक रूम है, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड वे में आपने रखी हुई है उस रूम के अंदर, क्या उसको लाइब्रेरी बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। कलेक्शन तो है उस रूम के अंदर, कलेक्शन तो है, मटेरियल्स भी भरे पड़े हैं, लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है तो वो लाइब्रेरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू लाइब्रेरी, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, हम लोग यहाँ पे लाइब्रेरी की डेफिनेशन समझ रहे हैं। और अगर चलो मटेरियल भी है, ऑर्गेनाइज भी कर दिया, और आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी को दे ही नहीं रहे हैं, वो छुपा के रखा है, ताला बंद करके रखा है उसके अंदर, तो वो भी लाइब्रेरी नहीं है। वो प्रोवाइड कराइए, चाहे फिजिकल फॉर्म में, चाहे बिब्लियोग्राफिकल फॉर्म में, एंड इंटेलेक्चुअल एक्सेस किसी भी फॉर्म में उसको आप उस यूजर तक पहुंचाइए। और वो यूजर कौन होना चाहिए आपका? एक टारगेट ग्रुप वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। टारगेट ग्रुप का मतलब हुआ जिसको आप चाह रहे थे कि हम यहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए, या कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स या इंडिविजुअल पर्सन्स जो चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे तक आए। आपका काम है ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाना और उनका काम है उस इन्फॉर्मेशन को अपने तक पहुँचाना। ये हमारे जो टारगेट पर्सन्स हैं इनको टारगेट करना विद अ स्टाफ,
आपके पास स्टाफ होना चाहिए, 1% का, 2% का, 4% का, 10% का, डिपेंड करेगा आप लाइब्रेरी कितनी बड़ी है। ऐसे लोगों को एक स्टाफ के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ स्टाफ्स, जो ट्रेंड होने चाहिए, ठीक है, जो ट्रेंड और एजुकेटेड और इस वर्क को परफॉर्म करने के लिए उनके पास स्किल्स, नॉलेज और टैलेंट होना चाहिए, क्या करेंगे वो? प्रोवाइड कराएंगे क्या? सर्विसेज और प्रोग्राम्स। जो सर्विसेज आप देना चाहें अपने यूजर्स को, पेट्रॉन्स को, वो सर्विस उन तक पहुंचाएंगे। कुछ प्रोग्राम्स हो सकते हैं, प्रोग्राम्स मीन्स ग्रुप ऑफ सर्विसेज, कुछ सर्विसेज के ग्रुप्स हो सकते हैं, उनको एक प्रोग्राम बना सकते हैं, वो रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन नीड, जो भी हमारे इस टारगेट ग्रुप की इंफॉर्मेशन की नीड है वहां तक पहुंचाना है। अगर ये सारे टास्क, ये सारे काम परफॉर्म हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन वो क्या है? एक लाइब्रेरी है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आपके टारगेट ग्रुप तक पहुंच रही हैं, तब अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन उसको कहेगा कि आप ये जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में एक लाइब्रेरी का काम है, ठीक है, समझ में आ गया। हमने डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे एस आर रंगनाथन सर की डेफिनेशन है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की हमने डेफिनेशन पढ़ ली। इसके बाद अब देखते हैं एक कॉमन डेफिनेशन, जो बहुत ले मैन वर्ड्स में अगर हम कभी लाइब्रेरी को डिफाइन करना चाहें तो वो क्या होगी, उसके बारे में समझते हैं। अ लाइब्रेरी, अ लाइब्रेरीज या अ लाइब्रेरी, अगर एक एक है तो लाइब्रेरी, अगर बहुत सारी हैं तो एस। अ लाइब्रेरीज कलेक्शन कैन इंक्लूड बुक्स, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, फिल्म्स, मैप, प्रिंट्स, डॉक्यूमेंट्स, माइक्रोफोम, सीडी, कैसेट्स, वीडियो टेप्स, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, डाटाबेस एंड अदर फॉर्मेट्स। लाइब्रेरीज रेंज इन साइज फ्रॉम फ्यू शेल्फ्स ऑफ बुक्स टू सेवरल मिलियंस आइटम्स। बहुत बेसिक, अगर आपको किसी पड़ोसी को समझाना हो, किसी छोटे से बच्चे को समझाना हो लाइब्रेरी क्या है, तो वो लाइब्रेरी के लिए आप क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे कि बेटा कलेक्शंस हैं ये, किसके कलेक्शंस हैं, कुछ भी बोल दो, बुक्स, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, फिल्म्स, मैप, प्रिंट, डॉक्यूमेंट, माइक्रोफॉर्म्स, कैसेट्स, डीवीडीज, वीडियोस, कुछ भी जिससे आप इंफॉर्मेशन ले सको, ये सब का अगर आप एक कलेक्शन कर रहे हो। यहाँ पे वर्ड नहीं इस्तेमाल किया गया है ऑर्गेनाइज, तो ऑब्वियसली बात है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए। इन सब का कलेक्शन अगर आप कहीं पर लग के रख रहे हो तो वो लाइब्रेरीज है। ये मैटर नहीं करेगा कि उसका साइज क्या है, मतलब उस रूम के अंदर एक ही शेल्फ में रखा गया है सारा चीज या बहुत सारे शेल्फ बनाए गए हैं। अगर सिर्फ एक शेल्फ भी है तो भी हम उसको लाइब्रेरी कंसीडर करेंगे, और बहुत सारी शेल्फ्स हैं, उसमें मिलियंस आइटम्स रखे जा सकते हैं, तब भी उसको हम लाइब्रेरी ही कंसीडर करेंगे। क्लियर? ये था एक बहुत बेसिक सा लेमैन टर्म में हमारे पास डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था अपने इंट्रोडक्शन क्लास में कि आपको एनसीईआरटीज की जो आपको 11, 12th क्लास की बुक्स हैं वो भी पढ़नी है। तो मैं ज़्यादातर जो कंटेंट अभी बना रहा हूँ, जो बहुत बेसिक से स्टार्ट होने वाला है, वो सारा कंटेंट में भी एनसीईआरटी से लेके काम कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसलिए बहुत बेसिक से डेफिनेशन, आज पहली क्लास है, हम लोग धीरे धीरे अपने टारगेट को अचीव करेंगे और अपने लेवल को भी बढ़ाएंगे, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं, लाइब्रेरीज का फंक्शन क्या है, क्या किस उद्देश्य से लाइब्रेरीज को हम लोग बना रहे हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं। द फंक्शन ऑफ लाइब्रेरी इन द मॉडर्न सोसाइटी फॉल्स अंडर टू कैटेगरीज, दो कैटेगरीज में इसके फंक्शन को हम लोग देख सकते हैं। पहला कैटेगरी क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल हेरिटेज ऑफ द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ लिटरली वर्क्स विच आर बींग टर्म्ड एज इंफॉर्मेशन सोर्स। हमारी सोसाइटी में जो भी क्या है इंटेलेक्चुअल वर्क है, सोसाइटी का जो भी इंटेलेक्चुअल वर्क है उसको क्या करना है, उसको प्रिजर्व करना है, और वो प्रिजर्वेशन किसका होना चाहिए, जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं। ये फंक्शंस पढ़ रहे हैं हम लोग, पहला काम क्या है, पहला वर्ड अगर आप प्रिजर्वेशन फंक्शंस पूछेंगे लाइब्रेरी का तो मैं एक वर्ड में बताऊं तो वो है प्रिजर्वेशन। हमारे एशियन टाइम में क्या होता था,
कि जो हमारे ऋषि मुनिया होते थे, बहुत पहले के जो लोग हैं, जब से हमने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, हमारे पास कुछ नॉलेज आई, हमने उसको नॉलेज को कहीं पे लिपिबद्ध किया, ठीक है, उसको क्लेरोग्राफी में लिखकर हमने कहीं एक जगह स्टोर कर लिया। तो उस टाइम जो लाइब्रेरी का जो पहला ऑब्जेक्टिव होता था कि भैया हमने इसको बहुत मेहनत से लिखा है, एकदम नया नया बुक तैयार हुई है, उसको किसी तरह बचा के रखो, देना मत किसी को, बचा के रखो, धूप से बचाओ, बारिश से बचाओ, इंसानों से बचाओ, जानवरों से बचाओ, दीमक से बचाओ, कीड़े मकोड़े से बचाओ, बस प्रिजर्व करके रखो। और कब तक? जब तक इसको बचा के रख सको, लॉन्ग टाइम तक। तो पहला काम लाइब्रेरी का, उसका पहला फंक्शन क्या है? प्रिजर्वेशन। और यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रिजर्वेशन किसका हो रहा है? जो भी हमारी सोसाइटी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अब वो किस किस फॉर्म में हो सकती है? बुक्स के फॉर्म में, पीरियोडिकल्स के फॉर्म में, मैप्स के फॉर्म में, किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में, कुछ भी हो सकता है, उसको प्रिजर्व करो, उसको बचाओ। ये लाइब्रेरी का पहला काम है। दूसरा काम क्या है? मेकिंग दीज लिटरली वर्क एक्सेसिबल टू द पीपल ऑफ द सोसाइटी। अब आपने बचा लिया, आपने बचाने वाला काम कंप्लीट कर लिया, लेकिन उस बचा के रखने से क्या ऑब्जेक्टिव? जब तक वो किसी के पास पहुंच नहीं रहा, उससे कोई और लाभान्वित नहीं हो रहा, तो आप उस प्रिजर्व की गई वस्तुओं को, प्रिजर्व की गई इंफॉर्मेशन मटेरियल्स को सोसाइटी तक पहुंचाइए, लोगों तक लेके जाइए। अगर आप ये काम भी कर ले रहे हैं प्रिजर्वेशन के बाद, अगर आपने उसके एक्सेसिबल दे दी, उसको एक्सेस दे दिया, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कंफर्म कर दिया, तब आप लाइब्रेरीज के फंक्शन को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्टिव हमें मिले यहाँ पे, पहला है प्रिजर्वेशन और दूसरा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, जिसको हमने वहां पे एक्सेसिबल फॉर्म में बोला है। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स में देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं लाइब्रेरी के फंक्शंस को, उसको एक एक करके समझ लेते हैं। एनसीईआरटी का मटेरियल है, ठीक है, बहुत बेसिक से है, एकदम छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश है। एनसीईआरटी अगर आप लोग देखेंगे, आप लोग गूगल पे चाहे तो लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी पीडीएफ टाइप करेंगे, फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, और ये सारा कंटेंट वहीं से है, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत हो। वैसे पीडीएफ आपको मैं जो हमारी एप्लीकेशन है वहाँ पे पहुँचा दूंगा, संस्कृत गंगा एप्लीकेशन पे आपको ये सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए फंक्शंस देख लेते हैं जल्दी से एक बार। 6 फंक्शंस यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं एनसीईआरटी के द्वारा हमें, हम एक एक करके इनको समझते हैं। कलेक्शन, मेंटेन एंड मेक द इंफॉर्मेशन सोर्स अवेलेबल टू द पीपल ऑफ द सोसाइटी टू हेल्प देम टू मेक देम सेल्फ अवेयर ऑफ द अवेलेबल लिटरेचर्स। जो हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल है उसको कलेक्ट करो, मेंटेन करो, और उस इंफॉर्मेशन सोर्स को अवेलेबल कराओ, किसको? पीपल ऑफ द सोसाइटीज को, ठीक है। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आप लाइब्रेरी के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। लाइब्रेरी का पहला फंक्शन, कलेक्ट किए गए मटेरियल को मेंटेन करो, पहले कलेक्ट करो, मेंटेन करो, और सोसाइटी के पास अवेलेबल करा दो उस लिटरेचर को, पहला फंक्शन। दूसरा, फॉरमोस्ट एंड प्रमोट द डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन कल्चरल हेरिटेज इन टू प्रमोट एनलाइटमेंट सिटीजन एंड एनरिच देयर पर्सनल लाइफ। जो आपने मेंटेन किया और कलेक्ट किया उसको अवेलेबल करा दिया, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर क्या करना है? उसको फोस्टर एंड प्रमोट करना है, लोगों तक पहुंचाना है, वितरित करना है, डिसमिनेशन लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन से वर्ड यहाँ पे आया है डिसमिनेशन, और उस इंफॉर्मेशन को प्रमोट करने के पीछे जो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो एनलाइटमेंट होना चाहिए। एनलाइटमेंट मतलब लोगों की लाइट जले, है ना, बुद्धि विकास हो। एनलाइटमेंट का मतलब होता है आपकी चेतना का विकास, बुद्धि बल्ब जलाने का मतलब लाइटमेंट, याद रखने के लिए एनलाइटमेंट करना है, दिमाग का बल्ब जलाना है, दिमाग की बत्ती जलानी है। क्यों बत्ती जलेगी? क्योंकि आप चाहते हैं कि जो ये हमने कलेक्शन और मेंटेनेंस किया है इससे एनलाइटमेंट हो। किसका होना चाहिए एनलाइटमेंट? सिटीजन्स का, एंड एनरिच देयर पर्सनल लाइफ। अगर उनकी दिमाग की बत्ती जलेगी तो उनकी लाइफ क्या होगी? एनरिच होगी। ये ऑब्जेक्टिव है हमारी, फंक्शन है, ये फंक्शन है हमारे लाइब्रेरी क्लास, लाइब्रेरी साइंस का, ठीक है। थर्ड देखते हैं, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फॉर्मल लाइफ लॉन्ग सेल्फ एजुकेशन टू द मेंबर ऑफ कम्युनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर एज, कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर और एनी अदर ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स। लाइब्रेरी का जो काम है, उसका जो फंक्शन है, जात पात रंग भेष भूषा, ठीक है,
और भी जितने आप डिस्क्रिमिनेशन सोच भी सकते हो, सोच लीजिएगा, इन सबसे परे है लाइब्रेरी साइंस के फंक्शंस। लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी के अंदर आने वाला, उस चौखट को लांघने वाला जो भी व्यक्ति होगा, उससे वहाँ का लाइब्रेरियन ना उसका रंग पूछेगा, ना वस्तु, ना भाषा पूछेगा, ना देश पूछेगा, ना जात पूछेगा, किसी भी प्रकार के भेदभाव को मानते मान ना मानते हुए उस लाइब्रेरी में उसकी एंट्री होगी और उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो उसको मिलेगी बिना उसके साथ किसी तरह का भेदभाव किए बिना। अगर ये परफॉर्मेंस कहीं पे हो रही है तो वो लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी अपने परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर रही है। प्रिजर्व द इंटेलेक्चुअल लिटरली एंड कल्चरल हेरिटेज, लिटरेचर एंड कल्चरल हेरिटेज ह्यूमनिटी फॉर द प्रॉस्पेरिटी एज रिसोर्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारी सोसाइटी के बहुत कीमती चीज़ें जो इंटेलेक्चुअली बहुत एनरिच हो चुकी हैं टाइम के साथ साथ, हिस्टोरिकली उसके साथ साथ, उनको उस लिटरेचर को, इस उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को, उस कल्चरल हेरिटेज को क्या करना है, ह्यूमनिटी के लिए, रिसर्च एंड एक्टिविटीज़ के लिए प्रिजर्व करना है, कलेक्ट करना है और उनको देना है रिसर्च करने के लिए। उनका काम होना चाहिए कि वो जो मटेरियल हमने प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, उसको समाज की, मानवता के लिए, समाज के विकास के लिए, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है हमारे पास, जो भी लिटरेचर है, जो भी कल्चर हेरिटेज है, वो रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए दी जाए। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है लाइब्रेरीज का। नेक्स्ट, प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू ऑल सिटीजन विदाउट एनी बायस्ड एंड प्रीजुडाइस। हमारे सिटीजन्स, हमारे सोसाइटी के, कल्चर के, हमारे आसपास, हमारे नेशंस के, हमारे स्टेट्स के जितने भी मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उनको बिना किसी बायस्ड, बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी प्रिजुडिस के, बिना किसी पूर्वाग्रह के, हमें उनको इन्फॉर्मेशन का करनी, क्या करनी है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। किसको? ऑल सिटीजन्स, जितने भी सिटीजन्स हैं सबको, विदाउट एनी एज, कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर और एनी एनी अदर किसी भी कैरेक्टर पे, बिना बायस्ड हुए ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ तक पहुँचानी है। एंड द लास्ट पॉइंट इज फैसिलिटेट एडवांसमेंट ऑफ कल्चर इन अ कम्युनिटी। हमें फैसिलिटेट करना है, उनको सहूलियत देनी है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, क्यों? एडवांसमेंट के लिए। कैसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? कल्चरल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उनको सांस्कृतिक रूप से अपने आप को एनरिच करने का मौका देना चाहिए। और ऐसा मौका कब मिलेगा? जब वो लाइब्रेरीज में आएंगे। और लाइब्रेरीज में क्या मिलेगा उनको? कलेक्शन मिलेगा, मेंटेन मिलेगा, किसका? इन्फॉर्मेशन सोर्स का, जो कि अवेलेबल होंगे किसके लिए? सोसाइटी के लिए। क्यों अवेलेबल होंगे? ताकि उनका एनलाइटमेंट हो सके। ठीक है, ये सारे अगर फंक्शंस कहीं पे आप परफॉर्म होता हुआ देख रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूशन कहलाएगा आपका लाइब्रेरी। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी, छोटी छोटी डिटेल्स मैंने आपको अपनी इस फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया। ये वीडियो यहीं पे है, हमारा जो कंटेंट था यहीं पे। हमने क्या समझा? हमने डेफिनेशन समझी। अभी हम मैंने जो आपसे कल अभी बात की थी, वेट, देखिए, आज हमने जब अपनी वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, हमने डेफिनेशन से स्टार्ट की अपनी पहली वीडियो, आज फर्स्ट क्लास है आपकी डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। हमारा अभी का जो टॉपिक बच रहा है वो क्या बच रहा है कि हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। इन इंडिया में कौन कौन सा पीरियड? तीन पीरियड देखेंगे हम लोग का। पहला है मेडिवल पीरियड, दूसरा है मॉडर्न जो कि 19th सेंचुरी तक रहेगा। यहाँ पे हिस्ट्री क्या हुई लाइब्रेरी साइंस की, और रियली में यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पक्का आए हुए हैं। एक क्वेश्चन जो आपको मैंने अभी लाइब्रेरी साइंस की डेफिनेशंस में से पढ़ाया है, वो वहाँ से पक्का आएगा क्वेश्चन। और दूसरा आपके हिस्ट्री में से मॉडर्न, मेडिवल और आपका जो 20th सेंचुरी की लाइब्रेरी साइंस है, वहाँ से कोई ना कोई ज़रूर एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे। हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देखेंगे जब यूनिट खत्म हो जाएगा तब, और वहाँ से मैं भी क्वेश्चंस बैंक जो आप लोग के लिए बना रहा हूँ, यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक जो बन रहा है, उसमें ये सारे चैप्टर्स, ये जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर हो रहा है बेटा, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हर यूनिट के ख़त्म होते ही आपको लगभग सभी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, वो सारा काम आपके लिए होगा।
तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें मेडल पीरियड, पीरियड ऑफ मॉडर्न साइकिल और 20th सेंचुरी का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास अभी आप लोग के लिए फ्री है, आप लोग देखिए, समझिए, आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कॉन्सेप्ट्स की, तब जाके आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो गूगल प्ले स्टोर पे संस्कृत गंगा एप्लीकेशन है वहाँ से आप ये कोर्स परचेस करते हैं। बट जब तक मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस दे रहा हूँ, आप प्लीज़ इन फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस का यूज़ करिए, और उसके बाद जब आपको लगे कि ये वीडियोस मेरे लिए हेल्पफुल हो रही है मेरे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप संस्कृत गंगा एप्लीकेशन पे इसको परचेज कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।